तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आपके जो घर में आपके पेट्स हैं वो भी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जब कोई एक अपने घर में एक पेट लाता है अपना घर में रखने के लिए, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो इच्छा होती है वो इच्छा होती है कि उसका पेट हमेशा मोटा तगड़ा और देखने में अच्छा रहे। मगर कई बार क्या होता है, वो अपनी तरफ से सब कुछ खिलाता भी है, पूरे प्रोटीन कैल्शियम मल्टीविटामिन भी देता है, अच्छी डाइट भी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो पेट होता है, उनका जो पालतू पशु होता है मतलब डॉग होता है, वो बिल्कुल सूखा पतला सा रह जाता है, और जिसकी वजह से उन्हें उसे लेके चलने में और देखने में वो सुंदर नहीं लगता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि दोस्तों जब हम पेट लाते हैं घर पर, तो अपनी तरफ से हम जो भी हमारे पॉसिबल हमारी जेब आज्ञा देती है उस हिसाब से अपना खर्चा भी करते हैं, उन्हें खिलाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई मेरे भाइयों के जो पेट हैं डॉग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह जाते हैं, खाते पीते भी उनके शरीर में नहीं लगता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जो मैं इसका उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल उपाय है। देखिए, महंगे महंगे प्रोडक्ट खिला के तो आप किसी को भी मोटा कर सकते हैं, लेकिन कई भाई मेरे ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो कुछ समस्या का समाधान उनके लिए भी बता देता हूँ, जो कि अपने खिला कर अपने पेट को जो मैं बताऊंगा सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, वो भी मोटा तगड़ा कर सकते हैं और देखने में अच्छा लग सकता है उनका पेट भी। तो बताता हूँ आपको आप क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं शुरू से यही बताता आ रहा हूँ, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उनकी डिवॉर्मिंग करवानी। अगर आपने अपने पपी की डिवॉर्मिंग करवा रखी है, टाइम टू टाइम करवा रखी है, अपने डॉग के डिवॉर्मिंग बराबर रूटीन से करवाते आ रहे हो, उसके बावजूद भी उनके शरीर में खाना नहीं लग रहा, तो देखिए सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि मेरे पास भी जैसे मेरा पेट था, तो उसको भी मैं कई बार ऐसा था कि फ़िलहाल के दिनों में पग था मेरे पास, तो उसको भी मैं बहुत खिलाता था, रॉयल कैनन का फूड भी दे दिया, प्रोटीन दे दिया, मल्टीविटामिन, लेकिन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो नहीं था, वो लीन था, बिल्कुल पतला दबली लगती थी, बिल्कुल ऐसी फीमेल थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर के कंसल्ट करा, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, तो मेन क्या था उसका जो पेट में, मैं उसे कीड़ों की दवा तो हर शेड्यूल के हिसाब से देता था, हर दूसरे महीने देता था या तीसरे महीने, नॉर्मली तो मैं दूसरे महीने दे देता हूँ, मैं तीसरे महीने में अटेंड नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पेट में कीड़े हमेशा रह जाते थे, जो कि बहुत दिक्कत हो जाती थी। अगर जब तक पेट में कीड़े रहेंगे, आप किसी भी कुत्ते को कुछ भी खिला दीजिए, जितना महंगे से महंगा खिला दीजिए, जब भी वो उसके शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि उसके सारा तो वो पोषक तत्व हैं वो कीड़े खा जाएंगे। तो उसके बाद जी मैंने एक इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन का, वो किसी ने मुझे सजेस्ट करा था, तो वो मैंने लगाया। उसको लगाने के बाद थोड़ा मेरे को उसका रिजल्ट अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि आप आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है बिना डॉक्टर की सलाह के मत लगाइए। हालाँकि वो इंटरनल और बॉडी के अपर पार्ट्स में भी काम करता है, आपके पेट के कीड़े वगैरह भी मारता है, और जो भारी परजीवी होते हैं उस पर भी वो काम करता है बहुत बढ़िया। अब जैसे किसी चीचड़ वीचड़ हो जाए, जुएँ हो जाए, तो उस पर बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन वो लगाने की मात्रा सबकी अलग अलग होती है, सब कुत्तों की। तो आप अगर उसे लगाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, और आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, अगर आपका पेट 6 महीने से बड़ा है, सात आठ महीने से बड़ा है, तो उसको दिन में 2 बार खाना दीजिए, 2 बार से ज़्यादा 3 बार खाना मत दीजिए, क्योंकि वो जल्द आप उसे 3 बार खाना दोगे तो रुच के सही ढंग से मन बनाकर नहीं खा पाएगा। 2 बार में पहली बार खा लेगा, तो जब तक उसको शाम का टाइम आएगा, जब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छा और उसे भूख अच्छी तरह लग जाएगी। उसके बाद आप उसको सुबह के टाइम, देखिए मैं बताता हूँ आपको, 2 एग शामिल करिए अपने खाने में ठंड के टाइम में, फिलहाल ठंडी चल रही है, सुबह के टाइम में 2 एग दीजिए। लेकिन उसकी कई भाई बताते हैं कि वो जो जर्दी होती है वो मत निकालिए, बहुत तगड़ा फैट होता है उसमें, तो आप पहले तो उसको फैट वो जर्दी के साथ उसे एग दीजिए, 2 एग दीजिए। और अगर वो आपका डॉग सोयाबीन खा लेता है तो सुबह के टाइम उसे सोयाबीन दीजिए, और चावल की मात्रा थोड़ी कम रखिए, जिसमें दलिया बढ़ा दीजिए आप, चावल दलिया सोयाबीन और 2 एग, और प्लस आप जैसे भी आप कट देना चाहते हो, दूध देना चाहते हो, वो आप उसे दीजिए। मैं नॉर्मल डाइट बता रहा हूँ, कोई महंगी डाइट नहीं बता रहा, मैं आपको फूड का तरीका नहीं बता रहा, फूड ही महंगा आता है, कई भाई मेरे नहीं खरीद पाएंगे इन चीज़ों को। तो कर्ड होगी, दही हो गई, आलू सोयाबीन हो गया, 2 एग हो गए,
और चावल दलिया, चावल की मात्रा कम रखिए, दलिया की मात्रा ज़्यादा रखिए, दलिया में ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गया जी सुबह का। उसके बाद आप शाम को आते हैं तो शाम के टाइम आप सोयाबीन मत दीजिएगा, सोयाबीन की जगह आप उनमें आलू ऐड कर दीजिए, मतलब कि 2 एग शाम को भी और 1 आलू, मतलब जैसे आपकी फीमेल है, मतलब छोटी ब्रीड है तो 1 आलू भी बहुत है, क्योंकि आलू में भी फैट बहुत अच्छा होता है। एग की जर्दी मत निकालिएगा, 2 एग जर्दी समेत और 1 आलू, अगर जैसे बड़ी ब्रीड है, रोटविलर है, तो 2 आलू भी दे सकते हो, ट्रेंड बर्नार्ड है तो 2 भी दे सकते हो, जैसी ब्रीड हो। छोटी ब्रीड वाले को तो 1 आलू बहुत होता है, 1 आलू दे दिया, 2 एग दे दिए बिना जर्दी के और कट दे दी, और प्लस उसमें आप जो शाम का टाइम है उसमें आप चावल ना देकर सिर्फ दलिया दीजिए, तो इसमें दोनों चेंजेस हो जाएगा। सुबह के टाइम आप सोयाबीन रखिए, शाम के टाइम आप आलू को चेंज कर दीजिए, लेकिन शाम के टाइम क्या होगा, आप चावल ना देकर उसे दलिया दलिया दीजिए, तो क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर आपके जो आपके पास डॉग है उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप ये डाइट दीजिए, नॉर्मल डाइट है, कोई महंगा नहीं है, ना मैंने इसमें फूड बताया, ना मैंने मीट बताया, कि भाई मेरे वेजिटेरियन होते हैं जो नहीं इसको एक्सपेंस कर सकते। हालांकि अंडा भी नॉन वेज और वेज दोनों में आता है, कि इसके पीछे विवाद बहुत होता है, लेकिन चलो आप इतना भी नहीं कर सकते, अंडा तो देना पड़ेगा। तो सुबह के टाइम 2 एग सोयाबीन और कट दे दीजिए या दूध दे दीजिए, अगर आप सोयाबीन दे रहे हो तो दूध दे सकते हो, लेकिन आलू के साथ आप दूध नहीं दे सकते, आलू के साथ आप दही लगाइए शाम के टाइम। हालांकि बोलते हैं ठंड के टाइम इतना दिक्कत कर जाएगी, लेकिन थोड़ा ये डॉग है जी, इतने में हम क्षमता हमसे ज़्यादा होती है सहने की, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने अपने फीमेल को पूरे 12 महीने दही देता हूँ, दूध भी देता हूँ, दही भी देता हूँ, लेकिन दही ज़्यादातर मात्रा में मैं रखता ही हूँ, 1 टाइम तो दिन में दही देता ही देता हूँ, कुछ इनमें इतनी दिक्कत नहीं आती, सब कहने वाली बात होती है। तो आप देख लीजिए, आप ये करिए सुबह के टाइम, 1 तो 2 एग और सोयाबीन, सोयाबीन के साथ आप दूध दे सकते हो, लेकिन सुबह के टाइम आपने दे दिया दूध, सोयाबीन, एग और दलिया और चावल, ये मिक्स करके आप दे दीजिए। दोपहर को खाना मत दीजिए, स्किप रखिए, शाम के टाइम आप दीजिए उन्हें दोबारा। अब सोयाबीन की जगह आलू ऐड कर दीजिए उसमें, लेकिन आलू आप दूध नहीं गिर सकते, आप आलू में नहीं तो पेट ख़राब हो जाएगा, आप उसमें कट आप डालिए, दही डालिए। तो शाम के टाइम बस चेंज इतना करना पड़ता है, चावल की जगह पूरा दलिया दीजिए और सुबह के टाइम सोयाबीन की जगह आप आलू दे दीजिए शाम को, बस ये चेंज करिए। और सबसे ज़रूरी, ये सब काम जब ही करेगा जब उसकी डिवॉल्विंग होगी, डिवॉल्विंग होगी तो आपका कुत्ता ऑटोमेटिकली अपना मोटा होता चल जाएगा, आपको नॉर्मल डाइट पे भी। ये तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि डिवॉर्मिंग केवाई करते हैं, लेकिन उनके फीमेल के या मेल के जो भी उनके पास है वो वो कीड़े निकल नहीं पाते उनके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले डिवॉर्मिंग करिए, डिवॉर्मिंग के बाद जो मैंने आपको डाइट बताई, क्योंकि मैंने खुद अजमा रखी है, नॉर्मल अगर पेट में कीड़े नहीं होंगे आपके तो ये नॉर्मल डाइट पे भी आपके फीमेल का मेल का जो भी है वेट बढ़ता चला जाएगा और अच्छी ग्रो करेंगे। तो नमस्कार भाइयों, आशा करता हूँ इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, और कोई इंक्वायरी करनी है तो फ़ोन आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता ही है, आप बात कर लीजिए जब मर्जी, आपके लिए सदैव बैठा हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।